एक शख्स ने हुजूर से कहा कि हुजूर मुझे कोई वसीयत कीजिए। हुजूर ने उसे इरशाद फरमाया कि तू गुस्सा ना किया कर। उसने फिर कहा मुझे वसीयत कीजिए, तो आका करीम ने फिर फरमाया गुस्सा ना कीजिए। उसने फिर कहा, ये बात एक बार नहीं, उसने कई बार हुजूर से पूछी। वो कोई और वसीयत तलब करना चाह रहा था कि ये तो ठीक है, कुछ और वसीयत भी कीजिए। इससे एक तो उस शख्स की ज़ाती सूरत हाल ऐसी होगी, और दूसरी यह है कि इस नसीहत की अहमियत के पेश नज़र कि गुस्सा जब इंसान को आता है तो वो मغلوب हो जाता है और बहुत गलत फ़ैसले कर बैठता है। इसलिए बार बार एक नसीहत पर ताकीद करना और उसका तकरार करना इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाता है कि हमें मुआमलात के अंदर बहुत मोतदिल रहने की ज़रूरत होती है। जो शख्स गुस्से को नाफिज करने की ताकत रखता है, एक तो होता है कि बंदा गुस्से से ख़ुद अपने आप को बेचैन करेगा, लेकिन अपने गुस्से को नाफिज नहीं कर सकता, गुस्सा निकाल नहीं सकता, ख़ुद पेचोताप खाएगा। लेकिन ये वो शख्स है जो गुस्से को नाफिज कर सकता था, उसके पास ताकत थी, लेकिन उसने इसके बावजूद गुस्से को ज़ब्त किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के सामने उसे बुलाएगा, तो अल्लाह ताला उसे इख्तियार देगा कि जन्नत की हूरों में से जिसके साथ तुम निकाह करना चाहते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, तुम्हें इसका इख्तियार दिया गया है, इसलिए कि तुमने अपने गुस्से को ज़ब्त किया उसको नाफिज करने की ताकत के बावजूद। और एक रिवायत हज़रत सुलेमान बिन सुरद रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, कहते हैं कुन तो जालसन मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा हुआ था। दो लोग थे, वो आपस में उलझ रहे थे। उनमें से एक शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, रगें फूली हुई थी, और एक दूसरे के लिए सबो शतम का माहौल पैदा हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर ये कलिमा पढ़ लें तो इनका यह गुस्सा ज़ायल हो जाएगा, इनकी जो कैफियत ख़त्म हो जाएगी, और वो क्या है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ लें तो जो उनके अंदर है वो चला जाएगा। तो लोगों ने उस शख्स को कहा जिसकी रगें फूली हुई थी और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था कि तावुस पढ़ो, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जब गुस्से से इंसान बेकाबू हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने गुस्से से बाहर निकलने के लिए तावुस पढ़े। एक रिवायत में है अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स गुस्से में आए तो वो खामोश हो जाए, तो खामोशी से गुस्से का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक रिवायत में इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स गुस्से में हो तो वो खड़ा हुआ हो तो वो बैठ जाए, और अगर उसका गुस्सा इससे ज़ायल हो गया तो ठीक, वरना लेट जाए। यानी अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, और अगर बैठने के बावजूद भी गुस्सा ख़त्म नहीं होने पा रहा तो लेट जाए, खामोश हो जाए, तावुस पड़े और बैठ जाए या फिर लेट जाए। तो ये चार सूरतें गुस्से को कम कर देती हैं। तो गुस्से को नाफिस करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा जो है वो फरो हो जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसे उमूर कर लेता है कि बाद में उसको सख्त पछतावा होता है।